माधव पांडे बॉम्बे से। परम पूज्य सतगुरु के चरणों में शत शत वंदन। हे गुरुदेव, यदि मैं आपका शिष्य हूँ तो बस इतना मुझे बता दो कि मेरी साधना में क्या कमी है और उस कमी को सुधारने का व्यक्तिगत मार्ग बता दो कि मेरा मार्ग सही है, ये भी बता दो, अथवा बस मेरी गलती बता दो कि मैं यदि सही हूं तो मुझे माइलस्टोन क्यों नहीं दिखाई दे रहा। क्या इस जीवन में मुझे आपकी कृपा से सतोरी की झलक दिखेगी अथवा नहीं। मेरी साधना में कमी क्या है ये बता दो, माइलस्टोन क्यों नहीं दिख रहा ये बता दो। जीवन एक सतत प्रवाह है चेतना का, जो बहती ही जाती है, निरंतर बहती जाती है, अपनी गति से बहती जाती है, बहती ही रहेगी, बहती रही है। जीवन चेतना का सतत प्रवाह है। चेतना कभी जड़ थी, पत्थर में थी, बढ़ती गई और चेतना के हिसाब से जैसे जैसे चेतना बढ़ती गई, प्रकृति उसे वैसे वैसे शरीर देती गई। बढ़ते बढ़ते चेतना इतनी बढ़ गई कि उसे मानव शरीर उपलब्ध हो गया। मानव शरीर से वो चेतना अपनी सुपर कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाएगी। यह सतत प्रवाह है चेतना का, जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा चलती है और सतत बहती है और गंगा समुद्र में सौंप देती है अपने आप को एक दिन। बस ऐसे ही चेतना का प्रवाह है। सनातन ने बहुत सुंदर शब्द गढ़ा, भगवान इसका गहरे से गहरा अर्थ था कि तुम अपने मूल रूप में भगवान हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम अभागी नहीं। कोरोना काल में जब हम घरों में कैद थे तो क्या गंगा गंगोत्री से पैदा तुम्हें करनी पड़ती थी? आगे का प्रवाह, इतनी लंबी दूरी का विचरण, और क्या वो समुद्र में नहीं गिरती थी? स्वयं में गिरती थी।
जब हम अपने अपने घरों में कैद थे, सभी कुछ प्राकृतिक हिसाब से चल रहा था, कोई प्रदूषण नहीं था, कुछ भी नहीं था जो गंगा के मार्ग को अवरुद्ध कर पाता, कोई गंदे नाले नहीं थे, कोई फैक्ट्रीज की केमिकल युक्त रसायन नहीं थी जो कि उसको दूषित कर जाते हैं। गंगा गंगोत्री से निकली, सहज प्रवाह की धारा में बढ़ी और समुद्र में विलीन हो गए। हम क्या करते हैं, हम गंगा की धारा को अवरुद्ध कर देते हैं या उसे दूषित कर देते हैं। अपनी रासायनिक फैक्ट्री चला के उसे गंदला कर देते हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा नहीं हुआ। कोरोना काल में शुद्ध जल गंगोत्री से निकला और वही शुद्ध का शुद्ध जल सागर में विलीन हो गया। जीवन चेतना की विकास की सहज धारा है और जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, प्राकृतिक सिद्धांत के मुताबिक उसको वैसे ही शरीर मिल जाता है और अंत में आता है मानस शरीर। और मानस शरीर अंतिम है। चेतना का प्रवाह लगातार जारी है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई कुछ भी न करे तो ये गंगा गंगोत्री से निकली हुई सहज धारा में चलती हुई एक दिन समुद्र में विलीन हो ही जाएगी। माधव पांडे का ये शब्द था, ये प्रश्न मुझे माइलस्टोन क्यों नहीं दिखता, मुझ में कमी क्या है। एक ही कमी है, तुम इस धारा को गंदला बनाने की चेष्टा करते हो, तुम्हारी जल्दी। बहुत बार बोला, सुना कहां गया, मैं तो बहुत बार बोला लेकिन मैं सुना कहां गया। गंगोत्री से निकले गंगा और सहज प्रवाह से विलीन हो जाएगी सागर में। यह गंगा की सहज धारा है और तुम्हारी भी सहज धारा है, पत्थर से परमात्मा की तरफ। तुम सभी बिना प्रयास के परमात्मा तक पहुंच जाओगे, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है, यह ईश्वरीय विधान है, यहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सहज रूप से मैं कहता हूं, कुछ मत करो। अगर तुम कुछ करोगे तो गंगा को समुद्र में गिरने से देर कर सकते हो, गंदला कर सकते हो, समुद्र को भी विकृत कर दोगे, गंगा को भी विकृत कर दोगे। तुम पूछते हो कि मुझ में कमी क्या है, यही कमी है, जल्दबाजी। मुझे माइलस्टोन क्यों नहीं दिख रहा, इसीलिए जल्दी करते हैं।
और मैं बहुत बार कहा ठहर जाओ, ठहरो, कुछ न करो, लेकिन फिर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मैं जानता हूं मुश्किल से मुश्किल काम है ठहरना, मन के होते हुए कितना आसान काम नहीं। जितना सहजता से बोल दिया गया उतना आसान काम यह है ना। कठिन से कठिनतम काम है सहज होना। शब्द बड़ा सुंदर है सहज योग, लेकिन कठिन से कठिनतम है, और यही मात्र उपाय है। तुम चाहो तो आराम से बैठ जाओ अभी, जैसे डायोजनीज ने सिकंदर को कहा था कि अगर आराम ही करना है तो देखो मैं बिना दुनिया जीते आराम कर रहा हूं, और तुम कत्लो गारत करके लहू से धरती रंग द्रव्य को एकत्रित करके और घरों से छीन के एक जगह पे लगाओ और सारे साम्राज्य सारी धरती को अपने अधीन करके फिर तुम बाद में आराम करोगे। और सिकंदर, मैं बिना धरती को जीते बिना सारा सोना एक जगह पे एकत्रित करके बिना सारी धरती एक व्यक्ति के नाम किए मैं अभी आराम कर रहा हूं। अगर आराम ही करना है तो अभी कर रहा हूं। जो गुरुजन तुम्हें विधियां बताते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं कि वो क्यों बताते हैं। श्रम की विधियां सिर्फ इसीलिए हैं, तेज दौड़ने का मतलब यही है कि तुम ऐसे तो गिरते नहीं, तुम हांफ के गिर जाओ, इतना थक जाओ कि बिस्तरा ढूंढने लगो, चारपाई ढूंढने लगो, इतने थक जाओ। अगर तुम किसी के ऊपर से पकड़ नहीं छोड़ते तो दो तरीके हैं उस पकड़ को हटाने के। एक तो तुम अपनी मर्जी से उस पकड़ को छोड़ दो, तुम्हें कोई समझा दे कि इस पकड़ को छोड़ दो और तुम उस पकड़ को छोड़ दो, और दूसरा तुम इतने जोर से उसे पकड़ लो, इतने जोर से उसे पकड़ लो कि उस वस्तु को पकड़ने की ताकत तुम्हारे भीतर ही ना रहे, तुम्हारी क्लिंगिंग पावर समाप्त हो जाए, तुम्हारी चिपकाहट करने की जोर से पकड़ने की ताकत समाप्त हो जाए, तो फिर पकड़ छूट ही जाएगी। जैसे रात को तुम्हें नींद आ जाती है, पकड़ छूट जाती है, तुम्हें तो नींद नहीं आती। बच्चों की तरफ देखो, बच्चे सहज होते हैं, अपना दूध पिया, खेले कूदे, थके सो गए, सहजता से जी रहे हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं, उन्हें कोई बुद्ध नहीं बनना, कोई महावीर नहीं बनना, कबीर नानक नहीं बनना उन्हें, ना ही कोई माउसे तुंग और नीचे बनना है उन्हें, उनका कोई लक्ष्य नहीं। उनका कोई आइकॉन नहीं। जिस जिसने आइकॉन बनाया वह चूका। जिस जिसने आइकॉन बनाया वह चूका।
क्योंकि जिसको तुम आइकॉन बनाते हो वह अपने कारण से आइकॉन है, लेकिन तुम अगर किसी दूसरे को आइकॉन बनाओगे तो तुम अपनी सहजता को गंवा लोगे। कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल गंवा बैठा, और कुछ नहीं होगा। अगर कौवा हंस की चाल चलने की चेष्टा करेगा तो अपनी चाल से भी वंचित हो जाएगा, परिणाम और कुछ आने वाला नहीं। यही आना, यही आ रहा है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल गंवा बैठा। तुम हंस की चाल चलना चाहते हो कौवे, अपनी चाल गंवा देते हो। तुम किसी को आइकॉन बना लेते हो। कौवा कौवा होने में संतुष्ट रहे, हंस को लक्ष्य न बनाए। और आज तुम्हें सारी दुनिया के लोग सिखा रहे हैं, वैसे बन जाओ वैसे बन जाओ। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि गुलाब के फूल को कहा जाए तुम चमेली के फूल बन जाओ, तुम मोतिया हो जाओ, और लीली के फूल को कहा जाए कि तुम चंदन हो जाओ, और चंदन को कहा जाए कि तुम गुलाब हो जाओ। ऐसे ही दुनिया अफरा तफरी में आज उलझ कर रह गए। प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है, कुछ पाने की जल्दी, ठीक भी है। कुछ पाना चाहता है, कुछ भूल गया है, कुछ खो गया है, स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति को पता नहीं कि मैं क्या पाने चला। तुम सब कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ न कुछ ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं। तुम्हारा आइकॉन एक ही है, भीतर का। भीतर का आइकॉन एक, बाहर आते आते आइकॉन बदल जाते हैं। तुम सब कुछ न कुछ पाना चाहते हो, लेकिन क्या पाना चाहते हो ये तुम्हें खुद भी पता नहीं, इसलिए रास्ता चूक जाते हो। जिसको देखते हो यह सफल हो गया, वैसा ही बनने की चेष्टा करते हो। तुम्हें भी नहीं पता होता कि वह सफल हो गया कि नहीं हो गया, और उस व्यक्ति को भी यह भ्रम होता है कि मैं सफल हो गया। वास्तव में वो भी सफल नहीं होता। आज आप बाजार में बिकते हुए लिटरेचर को खरीदो, आपको पता चलेगा वो लोग किताबें लिख रहे हैं कि जिंदगी में सफल कैसे हूं जो खुद सफल नहीं हुए हैं। जिन्हें सफलता की परिभाषा ही नहीं पता, वे दूसरों को बता रहे हैं कि सफल कैसे होना। यदि मैं आपका शिष्य हूं तो बस इतना मुझे बता दो कि मेरे में कमी क्या है। माइलस्टोन मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अब ये महाशय बड़ी जल्दबाजी में, और मैं इनकी जल्दबाजी लगातार देख रहा हूं।
कोई ना कोई बखेड़ा या खड़ा करते ही रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं इनका मन कितना अशांत है। अगर तुम कुछ आइकॉन बना लोगे तो ध्यान रखना, शांति की उम्मीद मत रखना, क्योंकि प्रकृति तुम्हें और कुछ बनाना चाहती है और तुम कुछ और बनना चाहते हो, और प्रकृति इतनी प्रबल है कि तुम हार जाओगे। जैसे धारा के विपरीत तैरता हुआ व्यक्ति एक दिन हार जाता है, और धारा के साथ बहता हुआ व्यक्ति कभी नहीं हारता। मुर्दा सदा ही तैरता है, तैराक सदा ही डूबता है, और तैराक तैरता है उस वक्त पहुंचता है जब डूब जाता है तो ऊपर आ जाता है, बहता है, बहता है तो पहुंच जाता है। मुर्दा बहता है, तुम प्रकृति से लगातार दुश्मनी मोल लिया, प्रकृति की धारा के विपरीत चलने का अर्थ प्रकृति से दुश्मनी लेना होता है। मैंने कहा जीवन चेतना की एक सतत धारा है, चेतना चली पत्थर से परमात्मा एक दिन हो जाएगी। तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, तुम कुछ मत करो, सब गुरुओं को अलविदा कह दो, सब विधियों को अलविदा कह दो, फिर गुरु का अर्थ क्या हो जाता है? गुरु किस मर्ज की दवा है? गुरु का एक ही अर्थ है, गुरु का एक ही उद्देश्य है, गुरु का एक ही उपयोग है। गुरु तुम्हारे रास्ते के कंकड़ पत्थर चुन ले एक तरफ करते हैं, ताकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस की धारा सतत बहती रहे, उसमें रुकावट खड़ी हो। बस गुरु का इतना ही काम है, बहाएगा परमात्मा गंगा को, रोकेगा गुरु तुम्हारी बाधा को, रास्ते के कंकड़ पत्थर कांटे सब चूग लेगा गुरु। सच्चा गुरु और कुछ नहीं करता, सच्चा गुरु तुम्हें चलने के लिए राजपथ दे देता है, रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर कांटे सब चुग लेता है। गुरु का इतना ही महत्व है, गुरु का इतना ही उपयोग कर लेना। गुरु तुम्हारे सर के ऊपर बैठ जाए चलतों को तो बड़ी परेशानी होगी, और आज सारे गुरु तुम्हारे सर पे बैठे, तुम खुद तो चलते हो, गुरु का बोझा भी साथ लेकर चलते हो। गुरु आज तुम्हारे ऊपर कूड़ेदान का बहुत बड़ा ड्रम बन के रह गए। गुरु का बोझा इतना कि तुम खुद से भी ठीक न चल पाते थे, गुरु और सवार हो गए तुम्हारे सर पर, यही दिक्कत खड़ी हो गई। तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हें माइलस्टोन नजर नहीं आता तो इतना ही है, अभी माइलस्टोन दूर है। अगर अमीबा जल्दी करे, कॉन्शियसनेस के हिसाब से उसे प्रकृति ने शरीर दे दिया, और कॉन्शियसनेस के हिसाब से प्रकृति ने पत्थर को शरीर दे दिया,
और कॉन्शियसनेस के हिसाब से प्रकृति ने सारी व्यवस्था कर दी, पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर, कॉन्शियसनेस के हिसाब से उसने सारी व्यवस्था कर दी। ये तुमने नहीं की, याद रखना। ये चांद तारे नक्षत्र इतनी विशाल विराट अस्तित्व तुमने नहीं बनाया, जिसने बनाया उसने व्यवस्था भी की, और यह व्यवस्था तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम जरा सोचो, मैं बार बार कहता हूं कुछ ना करो, अष्टावक्र बार बार कहते हैं कुछ ना करो, लाओत्से बार बार कहते हैं कुछ ना करो, और अगर गौर से देखोगे तो सभी संत कहते हैं कुछ ना करो। कहने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, तेरा पाना मीठा लागे, इसके भीतर अगर गहरे जाओगे तो क्या मतलब। तुम कुछ ना करो, जो तुत पावे सोई पलीकार, इसके गहरे अर्थ में जाओगे तो क्या मतलब। तुम कुछ ना करो, उसे सौंप दो। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मुक्षिष्यामि मा शुच, सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका क्या अर्थ, तुम कुछ ना करो, तुम मेरे अर्पण हो जाओ। सभी संत किसी न किसी हिसाब से एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं। सहज धारा है चेतना की, इसे बहने दो। इस गुरुडम को बीच में लेकर मत आओ, और जितने गुरु की आवश्यकता नहीं थी उतनी ही तुम्हारी गुरुडम में लालच के वश और लोभ, चाहे कुछ भी हो, मान सम्मान का हो, किसी भी चीज का हो, उस लोभ के कारण गुरुडम तुम्हारे शरीर पर बैठ गए, उसका बोझा भी तुम ढोने लगे। तुम सहज हो जाओ, तुम सिर पे बैठी हुई इस गंदगी की धारा को फेंक दो, तुम मुक्त हो जाओगे। जो भी विधियां दी, जो भी फार्मूलास बताए, जो भी रास्ते बताए, सब छोड़ दो। फिर तुम कहोगे हम पहुंचेंगे कैसे। सतत धारा चेतना तुम्हें खुद ही ले जाएगी, गंगा को फिक्र नहीं करना पड़ता मैं सागर में विलीन कैसे हो जाऊंगी। कोरोना में भी उसे कोई सागर में विलीन नहीं करता था, और जब कोरोना में हम भीतर बैठे थे तब भी पहुंचती थी सागर तक, और आज भी पहुंचती है सागर तक। अगर गुरु की ही आवश्यकता होती तो बाबा नानक कैसे पहुंचते। सच में देखो तो किसी ने किसी से कुछ नहीं सहायता ली, यही गलती तुम्हें गुरुडम देती है। गुरु तुम्हें यही लालच दिखा के रोकता है, नकली गुरु। असली गुरु तुम्हें मुक्त करता है खुद के भार से। राहगीर तुम्हारे ऊपर ही सवार हो जाए, तुम पूछो कि मैंने दे ली जाना, गुरु कहे ठीक ये रास्ता है, और तुम्हारे ऊपर कांधे के ऊपर बैठ जाए छलांग लगा के, क्या करोगे। रास्ता बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला तुम्हारे ऊपर चढ़ के बैठ जाए, तुम चल पाओगे। बस ये विधियां तुम्हारी बिल्कुल ऐसे ही हैं, कूड़ा करकट की ढेरियां सबने अपने अपने शिष्यों के ऊपर लाद दी। कॉन्शियसनेस एक सहज धारा है, जब पहला व्यक्ति पहुंचा होगा उसका कौन गुरु था,
और गुरु नानक तो अभी हुए, उनका कौन गुरु था? और सही पूछो तो किसी का कोई गुरु नहीं था। अगर बाबा कहते हैं नदरी मोख दवार, तेरी कृपा से होता है, तो उसका अर्थ यही, तेरी कृपा से होता है का अर्थ सही समझ लो। वो कहते हैं तेरी प्रोसेस के अधीन होता है, तेरी प्रोसेसिंग में ये होना ही है, हम तो सिर्फ व्यवधान खड़ा कर सकते हैं, हम तो अपने मार्गों में कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़े लहू लुहान करने वाले कांटे बिछा सकते हैं, और मन की यही तरकीब है। अनंत जीवन में मैं शरीर हूं मन हूं, यह भावना भीतर तक घर कर गई, बड़ी दूर तक फैल गई, जड़ें बड़ी गहरी, उखाड़ना मुश्किल है। उस धारणा को छोड़ना नहीं चाहता, उस धारणा को जो बचाए वह मित्र, जो तोड़े वह शत्रु। इसलिए तुम ईसा, सोक्रेटिस, मंसूर को मार देते हो। बुद्ध को भगा देते हो, महावीर के कानों में खीले टोक देते हो, पत्थर मारते हो, जख्मी कर देते हो। वो तुम्हें रास्ते के पत्थर हटाते अच्छे नहीं लगते, वो तुम्हारे लिए राजपथ तैयार करते हैं, तुम उनके लिए सूलियां तैयार करते हो। जीवन की चेतना एक सतत धारा है, निश्चित। मैं स्टैंप लगाता हूं उस बात पे कि एक दिन तुम परमात्मा हो जाओगे, निश्चित परमात्मा हो जाओगे। एक दिन तुम पत्थर थे और एक दिन तुम परमात्मा हो जाओगे। अगर किसी ने कहा सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, तो ऐसे ही नहीं कह दिया। वह जानता है नहीं जानता है, लेकिन उसने जाने अनजाने एक सत्य बात बोल दी। जो होना है वो ही होगा, और जब पहुंचना है तभी पहुंचोगे, उससे पहले क्षण भर नहीं पहुंचोगे। हां, देरी कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे गुरु के हाथ में है कि तुम्हें देरी करवा दे, तुम्हारा ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर दे, जिस दिशा में तुम्हारी चेतना जा रही है भटका दे। और सभी गुरु भटकाने का काम कर रहे हैं। मेरे में कमी क्या है? कोई कमी नहीं, तुम शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो जाओगे। सभी एक दिन शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो जाओ, ये एक यात्रा है। सभी की यात्रा पत्थर से स्टार्ट होती है और सभी की यात्रा भगवत्ता पे समाप्त होती है, जड़ से शुरू परम चेतना पे समाप्त है, और ये सहजता से होता ही जाता है। तो फिर तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ इसमें देरी कर सकते हो। और गुरु क्या करता है? गुरु मात्र तुम्हें पहुंचा नहीं सकता, पहुंचते तुम जाओगे, सहज धारा तो चलती ही रहेगी, गुरु मात्र तुम्हें भटका सकता है। बड़ी अजूबी बात नजर आएगी, जिस गुरु के बिना तुम रह नहीं सकते, जिस गुरु का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं, वही गुरु तुम्हें भटका रहा है। भार तो भार है,
अड़चन तो अड़चन है, तुम्हारे पांव में कांटा चुभे कि तुम्हारे पांव में पत्थर की नोक चुभे कि तुम्हारे पांव में शीशे कंच का टुकड़ा चुभे, दर्द तो होगा ही, हाय कह के बैठ तो जाओगे ही, चलना मुश्किल हो जाएगा। गुरु का काम तो यह था कि शिष्य आ रहा है, मैं रास्ते के सारे पत्थर कंकड़ कांटे कंच बीन लूं, एक तरफ हटा दूं और झाड़ू फेर दूं और राजमार्ग बना दूं। लेकिन गुरु, अगर राजमार्ग है भी तो उसको कंकड़ पत्थर कंच के टुकड़े कंट कीले चीजें कांटे बिछा देता है और तुम और देरी से तुम और लेट हो जाते हो, कमी क्या है मेरे में? कोई कमी नहीं, किसी के भीतर कोई कमी नहीं, तुम अकेले में नहीं, सभी के भीतर किसी के भीतर भी कोई कमी नहीं। सहज धारा से बहने दो प्रकृति को, तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए, तुम एक दिन हो ही जाओगे, प्रकृति ही तुम्हें पहुंचा देगी, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता ही नहीं। जिस प्रकृति ने तुम्हें पत्थर से मनुष्य बना दिया, वो प्रकृति तुम्हें मनुष्य से भगवान भी बना देगी। ध्यान रखना, बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, मुझे पता है, सभी धारणाएं टूटेंगी, सभी शास्त्र जलेंगे इन शब्दों से, लेकिन जलते हैं तो जलने दो। मैंने जो सत्य बोल दिया, ये जो कंकड़ पत्थर बिछाए गए हैं तुम्हारे रास्ते पर, तुम्हें पहुंचने में देरी कर देते हैं मात्र। और गुरु क्या करता है? दो तरह के गुरु होते हैं, एक तो कंकड़ पत्थर बचा के आपको पहुंचने में देर करवा देते हैं, और एक गुरु होता है जो कंकड़ पत्थरों को देखकर तुम्हें बिना बताए बीनता रहता है, एक तरफ झाड़ू फेर देता है, राजपथ पर चलेगा मेरा बच्चा, कोई परेशानी ना होगी, कोई कांच का टुकड़ा ना चुभेगा, कोई सूल ना उतरेगा, कोई नुकीला पत्थर घाव ना करेगा, सहज धारा है। अगर अमीबा कहे कि मैं मनुष्य क्यों नहीं बन पाता, मुझे मनुष्यता का माइलस्टोन क्यों नहीं देख पाता, मेरे में कमी क्या है? कोई कमी नहीं, तुम एक सहज धारा में प्रवाहित हो, चलते रहो, कमी कोई नहीं किसी में भी। और गधा भी पूछ सकता है और उल्लू भी पूछ सकता है, तो मेरे में क्या कमी है? अब उल्लू में कोई कमी होती है, गधों में कोई कमी होती है? कोई कमी नहीं होती। अगर सहज धारा में तुम बहोगे नहीं तो माइलस्टोन कैसे दिखेगा? लेकिन फिर भी माइलस्टोन दिखेगा, एक दिन प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के नियमानुसार
यह प्रकृति तुम्हारी इच्छा से नहीं चल रही, तुमने इसे गतिमान नहीं किया, तुम्हारी इच्छा से तुमने इसे चलता नहीं किया, तुम्हारी इच्छा से तुम बदल नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते अगर सच में देखो तो। लेकिन ये तुम्हारे मोटिवेशन स्पीचेस वाले कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, यही अड़चन आती है। बाबा नानक के प्रति द्वंद्वी हैं ये, कबीर के प्रति द्वंद्वी हैं ये, सभी संत पुरुषों के दुश्मन हैं ये मोटिवेशन स्पीचेस वाले, और तुम्हारी गुरुड़म सारी पीछे पड़ी है इनके। वो तुम्हें ठहराना चाहते हैं, ये तुम्हें दौड़ाना चाहते हैं, बस यही फर्क है। वो तुम्हारा मन दौड़ना चाहता है, फिर बात बन जाती है तुम्हारे गुरुडम के साथ, तुम्हारी बात बन जाती है क्योंकि तुम्हारा मन दौड़ना चाहता है और गुरु तुम्हें दौड़ाना चाहते हैं, तो तुम्हारी पट जाती है। ठीक, ये गुरु से ही है, जो ज्यादा दौड़ा है वो गुरु उतना ही ज्यादा सही होता है। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर था, अक्सर कोई ना कोई मर जाता मरीज, तो मैं उसे कहता तुम ठीक से चिकित्सा नहीं दे रहे हो क्या? कहता नहीं ऐसी बात नहीं, मैं ठीक से चिकित्सा देता हूं, लेकिन यह भी ध्यान रखना जिस अस्पताल से कोई नहीं मरता वह अस्पताल बेकार, वहां कभी मत जाना, और जिससे एक दो लाश निकलती है वह ठीक ठीक, और जिससे 150 लाशें निकलती हैं वह सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, सबसे बढ़िया वैद्य और डॉक्टर वहां रहते हैं। पीजीआई में आप लाशों को देखो, धड़म 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 करती है, नीचे नीचे नीचे, ऊपर से स्ट्रेचर के ऊपर बांध कर लाश को गिरा दिया जाता है स्लोप के ऊपर, और नीचे गिरती है आके, आप जरा जाकर देखो, और पीजीआई में सभी भर्ती होने को आतुर हैं। ये बात अलग है कि वहां भर्ती हो नहीं पाते। तो मेरा भाई कहा करता था जिस अस्पताल में से रोज 100 मरीज मरे निकले वह राज वैद्य, वह महान चिकित्सक, क्योंकि उतने ही लोग आए, जहां से मरा ही कोई ना निकला तो शायद ही कोई यहां मरीज कभी आया होगा, रेशो तो उतनी ही रहेगी। तुम्हारा मन दौड़ना चाहता है और गुरु तुम्हें दौड़ाना चाहते हैं, इस बात को आप हृदय में समेट लेना, और ये तुम्हारी दौड़ने की तरकीबें हैं, तुम्हारे मन के बचाव के साधन है। तुम्हारा मन बचना चाहता है इसलिए तरह तरह के बहाने ढूंढता है, मैं कैसे बच जाऊं। तुम्हारा मन देरी करने में बड़ा निष्णात है, फंस ही जाता है बीच में आके, किल्ली फंसा ही लेता है, गुंडियां फंसा ही लेता है। मेरे में कमी क्या है? कोई कमी नहीं, संसार के किसी भी प्राणी में कोई कमी नहीं, जड़ और चेतन में कोई कमी नहीं, संपूर्ण व्यवस्था साफ है ईश्वर की, कहीं कोई कमी बेशी उसने छोड़ी ही नहीं। बड़ा शानदार सिद्धांत, सिद्धांतों से परिपूर्ण यह अस्तित्व अपनी गति से चल रहा है, कहीं कोई व्यवधान नहीं, एक तुम ही हो जो इस व्यवधान में और व्यवधान खड़ा करते हो, जो इस चलती हुई सहज धारा में बाधा बन के आगे खड़े हो जाते हो, बांध की तरह, हम आगे नहीं चलने देंगे यद्यपि तुम्हारी पेश नहीं चलती, लेकिन कोशिश करते हो, और यह कोशिश तुम्हें ही रोकने का उपाय बन जाती है। तुम रुकते हो
तुम देरी से होते हो अपने ही कारण। प्राकृतिक व्यवस्था चल रही है और तुम अगर बिल्कुल छोड़ दो अपने आप को, जैसे नानक ने छोड़ा, तेरा पाना मीठा लग, तो ईश्वर का खेल है और तुम्हारा मन इसी खेल से डरता है। वो कहता है खेल मैं खेलूं, परमात्मा क्यों खेले, मेरे सिर के ऊपर बैठा मुझे कोई कमांड क्यों करे। ये तुम्हारा मन चाहता है कि मेरी कमांड मेरे हाथों में हो, और ईश्वर सच में कमांडर है। ईश्वर ने यहां का कण कण जो बनाया अपने अस्तित्व का, ईश्वर के हुक्म में चल रहा है। और तुम मार खा जाते हो उसके हुक्म के पैरेलल, तुम अपना हुक्म खड़ा कर देते हो और इसलिए दुखी होते हो, इसलिए देरी हो जाती है। तुम ही हो देरी करने वाले, या तुम्हारी गुरुडम है देरी करने वाले। तुम्हें दौड़ाते बहुत नई नई फिलॉसफीज, रोज प्रश्नों की लंबी कतार, कौन क्या करे, काम तो महज दो अक्षरों का था, वो भी बोलना आवश्यक न था। बाबा ने मूल मंत्र दिया एक ओंकार, बात खत्म हो गई थी। लेकिन कहां टिकते हैं, कबीर ने बड़े सुंदर शब्द बोले, लेकिन हम टिकते कहां हैं। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला, ये बला है तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हारी गुरुडम, इन्हें सर से पटक के फेंक दो, ये देरी का कारण है तुम्हारे। तुम कहते हो माइलस्टोन दिख नहीं रहा, इनकी मौजूदगी में माइलस्टोन तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं। सहज धारा के प्रवाह को मोड़ देंगे, क्योंकि मानस की जात ही एक ऐसी जात है जिसको परमात्मा ने असीम बुद्धि प्रदान कर दी है, असीम शक्ति प्रदान कर दी है, बाकी और कोई योनि नहीं। यही तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम अपने आप को कितनी देर रोकते हो यही पता चलेगा। अगर तुम देरी नहीं होना देने चाहते तो ईश्वर की प्रकृति की व्यवस्था के भीतर छोड़ दो अपने आप को, जैसे डेड बॉडी अपने आप को छोड़ देती है, जरा भी प्रतिरोध नहीं करती और पहुंच जाती है। जिस डेड बॉडी ने सागर में पहुंचना हो, जिस व्यक्ति ने सागर में पहुंचना हो, वह गंगा को समर्पित हो, लाश हो जाए, डेड बॉडी हो जाए, खुद पहुंचता पहुंचता एक दिन सागर में गंगा के साथ विलीन हो जाएगा। लेकिन मुश्किल खड़ी होती है, तुम्हारा मन अभी गुदगुदी आती है मन में, जीना चाहता है और उस जीने के भीतर ही दुखी हो जाता है, जीने की कामना दुख पैदा करती है। संत कहते हैं जीवेषण से बड़ा दुख कोई है नहीं, इसलिए महावीर कहते हैं कि मेरी जीवेषण खत्म, और प्रकृति से कहते हैं अगर तू मुझे जलाना चाहती है तो मुझे भोजन दे देना मेरी इन शर्तों। और प्रकृति जब तक उन्हें जलाना चाहती है तब तक भोजन दे देती है, और ऊट पटांग शर्तें, ऐसी ऊट पटांग शर्तें जो पूरी हो ही नहीं सकती लेकिन प्रकृति पूरा करती। मनुष्यता एक मनुष्य तक पहुंचने की यात्रा जैसे पूरी हो गई कॉन्शियसनेस की पत्थर से, उसका बेसिक आधार था समर्पण, कोई प्रतिरोध नहीं किया कि मैं जल्दी से मनुष्य हो जाऊं।
सहज धारा में बहती रही चेतना, बढ़ती रही चेतना और पत्थर से मनुष्यत्व को प्राप्त हो गए। वही फार्मूला आजमाना होगा, उसी तरह छोड़ देना होगा जिस तरह सब योनियों ने उस प्रकृति के हाथों में अपने सौंप दिया अपने आप को। चेतना बढ़ती रही, सहज प्रवाह से बढ़ती रही। ईश्वर होना तुम्हारी नीति है, नीति का अर्थ ये एक दिन होके रहेगी। और अगर अष्टावक्र कहते हैं कि तुम हो ही परमात्मा तो एक दशा से सही कह रहे हैं, तुम कुछ भी कर लो मत रोक सकोगे। और अष्टावक्र अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि तुम अपने आप को रोक ना सको, और वो रुकावट खड़ी होती है दौड़ने से। और दौड़ने के बहुत साधन बना लिए हैं आज की व्यवस्था ने, सांसारिक साधन तो हैं ही, आध्यात्मिक साधन भी हैं, मानसिक साधन भी हैं, जो आज लोगों ने खड़े कर लिए हैं, तथा कथित विद्वानों ने, देख रहे हो आप। कबीर कहते हैं सर से टली बला, और मुझे रोज प्रश्न आते हैं बाबा ये ग्रंथ साहब में, ये फलां किताब में आप खुद भी बोलते हो नाम जप, फिर नाम का निषेध क्यों? अब मैंने क्या जवाब दूं? तुम्हारी भाषा में बोलना पड़ता है, हम असमर्थ हैं, हमारे पास मजबूरी है आपसे वार्तालाप करने के लिए, आपकी ही भाषा का उपयोग करने के। हम वैसा ही बोलेंगे जैसे आप समझ सकोगे। जब सर से टली बला बिसर गया, माला गिर गई हाथ से, जब छूट गया, और उसको कबीर कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, शुभ हुआ। और तुम कहते हो बाबा जप कर ले, बस यही अड़चन पैदा करने के तुम्हारे मन के प्रयास, तुम्हारे मन के प्रयास कह लो, तुम्हारे गुरुडम के प्रयास कह लो, और आज तो साइकोलॉजिकली भी आपको लूटा जा रहा है। ये सिगमंड फ्रॉयड क्या हुआ, इसने मानवता को दिशा देनी थी, लेकिन बाद वाली इनके मनोचिकित्सकों ने जनता को उलझा दिया। पूर्ण ज्ञानी ना थे, इधर ठहरने का परिणाम गलत निकला, बस अचेतन के ऊपर आकर बात समाप्त कर गए, उन्हें पता ही नहीं था। और एक मूर्ख व्यक्ति सारी दुनिया को भ्रमित जाल में फेंक गया, सिगमंड फ्रॉयड अचेतन पे आके रुक गया। अगर उसे खुद पता नहीं था कि आगे भी कुछ होता है, आगे भी सुपर अनकॉन्शियस होता है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, और आगे भी सुपर कॉन्शियसनेस होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, अगर उसे पता नहीं था और वो यहां पर बात खत्म कर गया और कह गया कि बस यही है, इसमें है अपरिसीम शक्ति, यही मानवता का अकल्याण हो गया। आज सिगमंड फ्रॉयड के सिद्धांत के ऊपर सारी साइकोलॉजी कूद रही है, जबकि वो गलत है, क्योंकि उसकी धारणा है दर्शन ने, रुक जाती है अचेतन पर आकर, अचेतन से आकर दो बड़े तल चूक गया सिगमंड। ऐसे ही मुडो ने जिस तल तक देखा उस तल को ही अंतिम छोर मान लिया, यहां उलझ गए आके, फिर बेकार हो गए नानक, फिर बेकार हो गए अष्टावक्र, फिर कबीर बेकार हो गए।
ऐसे ऐसे शब्द पकड़ लिए जिससे आगे बोला कुछ नहीं जाता, और उन शब्दों को पकड़कर सारी मानवता को उलझाए फिर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल साफ साफ बोला बाबा नानक ने, नाम की परिभाषा बिल्कुल साफ साफ दी, जेता किता तेता नाव। जब पसारा बना दिया उसने, खिलार दिया, उसको मैं नाम कहता हूं, बिन नावे नाही को ठाव, और उसके बिना कोई स्थान ऐसा नहीं जो नाम के बिना हो। और आप कहते हैं नाम जप, हम क्या करें? नाम जप आपकी भाषा में कहना पड़ता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन तो देखिए जो आप बने दी है, जेता किता तेता नाम। जितना पसारा ईश्वर ने बना दिया, यानी समस्त अस्तित्व नाम से गूंज रहा है और गूंज भी रहा है। ये जो ध्वनि हो रही है उसकी, यही तो नाम बाबा पुकारते हैं, और नाम किसे कहते हैं? लेकिन आप तो जब तक जीवा से नहीं जप लोगे, आपकी जीवा पवित्र नहीं होगी। जब तक मानसिक जाप नहीं करोगे, तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, और मन कभी पवित्र हुआ है? मन ही तो अड़चन है, मन ही तो जड़ है कोलाहल की, इसी से ही तो छुटकारा पाना है। बिन नावी नाही को उठाऊ, सभी जगह व्यापक है, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, ये था मतलब। लेकिन तुमने भाषा की अल्पज्ञता का लाभ उठाकर, भाषा की असीमितता का लाभ उठाकर, सीमितता का लाभ उठाकर तुमने व्याख्या ही बदल दी। क्या करे कोई? बिल्कुल साफ साफ शब्द सारे गुरु कहते हैं, जितने पहुंचे सभी अपने अपने शब्दों से व्याख्यायित करते हैं, लेकिन करें क्या? तुम्हारी भाषा बड़ी तुच्छ है, तुम्हारी भाषा शूद्र है, तुम्हारी भाषा इशारा मात्र कर सकती है, लेकिन इशारे तो बड़े सीमित होते हैं, इधर ही ठहर जाते हैं। अगर अष्टावक्र कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, सारा प्रयास तुम्हें ठहराने पे है, ठहर जाओ, किसी तरह दौड़ना बंद कर दो, तुम हो ही परमात्मा, तुम उसी रास्ते पे चल रहे हो, एक दिन परमात्मा ही होना है तुम्हें, देर अबेर तुम कृपा करके बीच में व्यवधान मत डालो, इतनी ही कृपा कर दो, और कुछ तुम्हें कोई फॉर्मुलेशन आजमाने की जरूरत नहीं। जैसे पत्थर से तुम मनुष्य हो गए, ऐसे ही मनुष्य से तुम भगवान भी हो जाओगे। जब पत्थर को तराश कर भगवान की मूर्ति बना देने के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था, वो रहस्य आपको पता नहीं, वो रहस्य यही था कि जैसे पत्थर ये भगवान बन गया, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी पत्थर से भगवत्ता तक उपलब्ध हो जाएगी। एक संकेत था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन आप इसको समझ नहीं सके। और क्या कुछ कूड़ा कबाड़ा, आकाशीय तरंगे रिकॉर्ड क्या होती है बाबा, ये PLR क्या है, ये रेकी क्या है, हजारों हजारों तरह की मूढ़ताएं आज बना दी हैं इन लोभी व्यक्तियों ने, खुद को ज्ञान नहीं, दूसरों को भ्रमित करना कर ही दिया है। जो ऐसे ऐसे सवाल पर आज मानवता उतर आई, बाबा जाप करने को दिल करता है, आनंद आता है, भाई कर लो, कौन रोके? कम से कम मैं तो नहीं रोकूंगा। मैं जो सत्य देखता हूं बिल्कुल अपनी नग्न आंखों से, मैं वैसा बोलता रहूंगा, वैसा ही बोलूंगा, वैसा ही बोला है। आप अगर कुछ करना चाहते हो, अगर कोई कुएं में छलांग लगाना चाहते हो, तो मैं रोकूंगा कब तक? लगाएगा,
लगाओ, बड़े मौज से लगाओ। माइलस्टोन दिखता नहीं, देखेगा मेरे में कमी क्या है, कोई कमी नहीं। तुम धारा में बहना शुरू रखो, धारा लगातार बह रही है चेतना की, बस तुम आपाधापी बंद करो, मन की मूर्ताओं में मत आओ, जल्दबाजी बंद करो। तुम्हारी जल्दी से देरी हो जाएगी और तुम्हारे ठहरने से ऐन वक्त पे पहुंच जाओगे। तुम्हारी नियति भगवत्ता है, तुम्हारी नीति भगवान बनना है। तुम एक दिन भगवान हो ही जाओगे, तुम उसी की राह पे चल रहे हो। प्रकृति ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगी, बड़ा अद्भुत व्याख्यान है। लेकिन तुम्हारे गुरु कहते हैं हम पहुंच जाएंगे तुम्हें परमात्मा के द्वारा, हम लेके जाएंगे तुम्हें सचखंड। ये उठाओ मंत्र, इसको जब तक नहीं जपोगे तब तक तुम पहुंचने वाले नहीं। और कितनी कितनी झूठ पाखंड फैला रखे हैं, ये भुवन, ये लोक, ये खंड, इनका अर्थ पता नहीं, शब्दों से गुमराह कर रहे हैं आपको। सीधा सीधा मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, प्रकृति को अपना काम करने दो। प्रकृति ने आपको जड़ से मानव बना दिया, इतनी भारी चेतना का विकास हुआ, अब इससे आगे का विकास भी प्रकृति कर लेगी। लगातार विकास का नाम ही ढंग ही प्रकृति के पास है, उसे अपना काम करने तो तुम कृपा करके बीच में अड़चन मत फैलाओ। और अड़चन आती है तुम्हारी दौड़ के कारण, सभी तुम्हें दौड़ना बंद करना सिखाते हैं, लेकिन कौन संत है जिसने आपने आपको दौड़ना सिखाया? अगर किसी संत ने आपको दौड़ना सिखाया, बस सीधी सी परिभाषा है, जो दौड़ना सिखाए वो असंत, जो ठहरना सिखाए वो संत। सीधी परिभाषा को नोट कर लेना, प्रकृति की धारा के प्रवाह में बहना, निश्चित तुम परमात्मा ही हो, तुम्हारी नियति परमात्मा है। तुम्हें परमात्मा की तरफ जाने का कोई प्रयास नहीं करना है, तुम्हें कोई श्रम नहीं उठाना है, बल्कि जितना श्रम कर रहे हो सभी छोड़ देना है। निश्चिंत होके सो जाओ, घोड़े बेच के सो जाओ, बाह को सिर के नीचे रखकर आराम से सो जाओ, कुछ करना बाकी नहीं। एक दिन आएगा, सभी ने पाया, न करने में पाया, भटके करने से भटके। बुद्ध कितना भटका है, उपवास करो, ये करो, मंत्र करो, जप करो, यंत्र करो, तंत्र करो, बहुत कुछ किया, कितने गुरुओं के पास भटके और 49 दिन का उपवास किया। कृष्ण काय हो गए, हड्डी पिंजर, चल भी ना सकते थे, इतने कमजोर राजपुत्र, ये हाल हो गया तुम्हारे इन दौड़ने वालों के पीछे लग गए। लेकिन पाया ठहर के, भर पेट खाना खाया, खूब नींद आई, सारी रात मजे से सोए, आज सब कुछ छोड़ दिया था। तुम भी छोड़ दो बुद्ध की तरह, भागने से नहीं मिला, कुछ करने से नहीं मिला। जब तक कुछ किया, जप किया, पाठ किया, नित्य किया, नेम किया, उपवास किया, और इतना उपवास किया कि कृष्ण तनु हो गए, बस मृत्यु के कगार पर। समझ आई, छोड़ दिया करना, न करने में उतर गए, आराम करने पे आमादा हो गए। और जिस दिन उन्होंने सोचा, जिस रात उन्होंने सोचा कि आराम करूंगा, अब विश्राम करूंगा, अब कोई श्रम न करूंगा,
नहीं मिले, नहीं मिले, मिले मिले उसकी मोज। भरपेट खाना खाया सुजाता नाम की स्त्री ने, मन्नत मानी थी, भरपेट खाना खाया और बड़े मजे की नींद आई। मुद्दतों बात, जब से घर छोड़ा आज पहली बार सोए, और जब सुबह जाके आखिरी तारा डूब रहा था, उनका अहंकार भी डूब गया। पहुंच गए, कुछ न करने से पहुंच गए। नानक पहुंचे, कुछ नहीं किया कभी। कबीर कुछ नहीं किया कभी। अष्टावक्र कुछ नहीं किया कभी। बताओ नानक ने क्या किया? किसी ने उनको माला फेरते देखा? जप तप पाठ पूजा कभी करता देखा? उपवास कुछ नहीं किया उन्होंने। किसी ने कुछ नहीं किया, महज तुमको भ्रांतियां सौंप दी गई कि उन्होंने ये किया। किया किसी ने कुछ नहीं। सभी को मिला उस वक्त मिला जब करना छोड़ दिया। तुम भी कर करके थक गए होगे, अब न करने में आ जाओ। न करने में जिस दिन आओगे, जिस पल पूर्ण न करने में पहुंच गए, मेरे शब्दों को याद रखना, 100% जिस घड़ी तुम विश्राम में हो गए, 100% मंजिल तुम्हारे पास है। अष्टावक्र कहते हैं फिर तुम ही हो, कोई गैर नहीं। उसके प्रवाह में बह जाओ, अपने आप ही प्रकृति तुम्हें ले जाएगी। दौड़ो मत, दौड़ना बंद करो। तुम पहुंचे हुए हो, तुम पहुंचे ही हुए हो। ये दौड़ जो सिखा रहे हैं लोग, इनका बहिष्कार करो। कुछ नहीं करना है, आनंद से रहना है। प्रकृति की धारा तुम्हें अपने आप पहुंचा देगी परम चेतना तक। यह उसका दायित्व है, यह उसका काम है। उसके काम का बोझ अपने ऊपर मत लो, और इस गुरुडम के ऊपर भी मत सौंप। इसको कुछ पता नहीं, इतना काम कर लो, ठहरो। बहु, बहु का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति ठहर जाता है, तैरने में कुछ करना होता है, बहने में कुछ नहीं करना होता, तैरने में श्रम करना, बहने में मात्र विश्राम करना। तुम बहने में उतर जाओ, विश्राम हो जाएगा, और इस विश्राम को 100% तक ले जाओ। और जिस घड़ी तुम्हारा विश्राम 100% हो जाएगा, सभी कुछ छोड़ दो। वैसे तो मैंने तुम्हें करना कुछ दिया भी नहीं, और जो तुम थोड़ा बहुत करते हो वो सिर्फ जीवन गुजारने के लिए करते हो। कोई क्रिया योग किया, ध्यान में कुछ न करने की विधि तुम्हें बताई, वो भी अगर छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में तो वो छूट ही जाएंगे। लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अभी खाना, अभी श्वास लेना, ठीक से श्वास लेना आवश्यक है। इसको करते रहोगे तो भी ठीक, ना भी करोगे तो भी ठीक, लेकिन प्रकृति अपनी धारा को बदलेगी नहीं। तुम इसे करो या ना करो, प्रकृति अपनी धारा पे चलती रहेगी। बस तुम एक मूढ़ता मत करो। परमात्मा को पाने के लिए, सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए तुम कुछ मत करो। जीवन को चलाने के लिए कुछ करो, काम करो, धाम करो, जैसे कबीर करते हैं, नानक करते हैं, खेती करते हैं, हल जोत के चले जाते हैं। फिर परमात्मा की बातें गुनगुनाते हैं,
गाते हैं गीत, लेकिन करते कुछ नहीं। परमात्मा तक पहुंचने के लिए ना कभी कबीर ने कुछ नहीं किया, ना अष्टावक्र ने कुछ किया, ना नानक ने कुछ किया। बुद्ध कर करके थक गए तब मिला, महावीर कर करके थक गए तब मिला। तो मिला कब? जब कर करके थक गए। मिला कब? ठहराव में मिला, दौड़ने में नहीं मिला। जो गुरु तुम्हें ये सिखाए उसके करीब बैठ जाना, आचार्यो उपासनम उसके करीब बैठ जाना। जो तुम्हें दौड़ना सिखाए वहां से दौड़ जाना, वो तुम्हारे जान दुश्मन है। बहुत जन्म से भटके भटके इस जन्म को भी बेकार कर देंगे, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी यात्रा को बाधित कर सकते हो और गुरु उस यात्रा को बाधित करने में मुख्य रोल अदा करता है। बस इतनी सी बात। और आखिर का शब्द दादू का गौर से सुन लेना, क्या इशारा है। सभी संतों की बातें तो मैंने आपको बता दी। कृष्ण क्या बोले, सर्वधर्मान प्रत्यज, छोड़ दे सब कुछ, नहीं मिलेगा तुम्हारे करने से। कबीर कहते हैं, सर से टली भला, छोड़ जप पाठ पूजा को, नानक ने कभी किया ही नहीं। और बुद्ध पहुंचते हैं करना छोड़ के, करने से हार गए, छोड़ दिया। इसके बाद अगर ना छोड़ते तो मरते। निरंजना नदी के भीतर उतर भी ना सके, थोड़े थोड़े पानी के भीतर भी उतर ना सके, सांस फूल गया। महावीर ने करना छोड़ा, पहुंच गए। जिस जिसने करना छोड़ा वो ही पहुंचा, जो करता ही रहा वो कभी नहीं पहुंचा। और अगर तुम भी कुछ करते रहोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे। लिख लो इस बात को, ये मेरे अल्टीमेट वर्ड्स। जब तक तुम कुछ करते रहोगे तुम उसको न पा सकोगे, क्योंकि तुमने कॉन्शियसनेस की धारा को तोड़ दिया, तुमने बाधित कर दिया, तुमने अपने ही रास्ते में कांटे और कंचे बिखेर दिए। अब तुमने अपनी नीति दुखों में जीने के योग्य बना ली। प्रकृति ने तो अपनी नीति, परमात्मा ने तो आपकी नीति उस परम भगवत्ता तक पहुंचने के निमित्त ही बनाई थी, लेकिन आप इसको बिगाड़ भी सकते हो। बिगाड़ो अगर बिगाड़ना चाहते हैं, सुधारो अगर सुधारना चाहते हैं, लेकिन सुधारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। बिगाड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अगर तुम कुछ करोगे बिगड़ जाएगी, अगर कुछ नहीं करोगे तो सुधर जाएगी। दादू दूजा को ने दूजी मन की दौड़। अब इनके विचार भी सुन लीजिए। कौन संत है जिसने आपको दौड़ना सिखाया? मुझे एक भी शब्द तुम परिभाषित कर लो, बात अलग, क्योंकि तुम्हारी लिपि बड़ी शुद्र है, बड़ी सीमित है। लेकिन किसी भी संत ने आपको दौड़ना सिखाया बताओ? जो तुम्हें दौड़ना सिखाए वो संत है ही नहीं। ये बाद में पैदा हुई नस्लें हैं जो आपको दौड़ना सिखाती हैं, इनको खुद मालूम है। दादू दूजा को नहीं दूजी मन की दौड़, दौड़ गई संशय मिटा। ये संशय खत्म हो जाता है। उतर गयो मेरे मन को संशय, जब तेरो दर्शन पायो। दादू दूजा को नहीं दूजी मन की दौड़, ये मन की दौड़ है जो तुम्हें भ्रमित कर रही है, और इस दौड़ को फैलाने में जिम्मेदार हैं तुम्हारे रास्ता बताने वाले मार्गदर्शक। दौड़ मिटी संशय गया, जैसे तुम ठहर जाओगे दौड़ को समाप्त कर दोगे, आराम करने लगोगे, गहरे उतरने लगोगे। वस्तु ठोर की ठोर तुम पाओगे जिसको
जिस खुशी को, जिस आनंद को, मस्ती को तुम तलाश रहे थे, भटके भटके फिर रहे थे, इधर उधर सभी कूटों में तराश रहे थे, तुम ही तो हो, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। वस्तु ठोर की ठोर, वस्तु तो अपनी जगह पर ही है, वो कहीं नहीं गई। तुम परम चेतन हो, बस तुम ठहर जाओ। ये प्रकृति की धारा तुम्हें अपने आप न जाने कब से इंतजार कर रही है कि तुम रोकना बंद कर दो, व्यवधान खड़ा करना बंद कर दो, तो बस तुम पहुंच ही गए हो। तुम हो ही उसके अनंत सागर के हिस्से। बाधाओं को समाप्त करो, और दौड़ एक बाधा है, और फिर बता दूं, जो गुरु आपको दौड़ना सिखाता है वो आपका दुश्मन, और जो गुरु आपको ठहरना सिखाता है वो आपका मित्र। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। बंद करो मन की दौड़ को। दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। धन्यवाद।